पीटीआई के बहुत जबरदस्त सपोर्टर थे, अभी तो हमारी भी जो है ना तौबा हो गई है। इस तरह महंगाई करके जो आवाम को बिल्कुल सड़कों पर ला के खड़ा कर दिया इसने। सिर्फ मौत सस्ता है बस इस मुल्क में, और सब चीजें महंगा है। उनके बस में नहीं है, वो इससे कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, सिर्फ गला दबा दें वो उनकी मेहरबानी है। आप कहते थे कि जो पेट्रोल महंगा हो ये अपना वजीर आजम चोर है, काबीना चोर है, ये खुद चोर ही निकले ना, अपने आप को जाहिर कर दिया इसने कि मैं चोर हूँ। कल जो है वो पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें 5 रुपए बढ़ा दी गई। ये 5 रुपए नहीं है बेसिकली, महंगाई का तूफान है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। गरीब आदमी का बजाय गुर्बत मिटाने के गरीब आदमी को मिटाने की तैयारी हो रही है। तो गरीब आदमी तो बेचारा मिट रहा था, जो लोअर मिडिल क्लास थे, जो अपनी इज्जत सफेद पोशी का गुजारा कर रहे थे, अब उनका भी जीना दुबर हो गया है। बच्चों को कैसे तालीम दिलाएं, बीमार हो जाए तो कैसे दवाइयां खरीदें, गर्ज के हर पाकिस्तानी का जीना दुबर कर दिया है वफाकी हुकूमत ने। और इमरान खान साहब कह रहे हैं घबरा ही नहीं, यहाँ घबराहट नहीं, यहाँ तो बिली बैठा जा रहा है, हर आदमी का जीना दुबर हो गया है। तो जो ये महंगाई बेरोजगारी का तूफान आया हुआ है जिससे हर पाकिस्तानी मुतासिर है, मैं आपके जरिए इमरान खान साहब से कह रहा हूँ कि खुदा रहा आप तो लोगों पर रहम कीजिए। लोगों ने तब्दीली की बात की थी, लोगों ने तबाही की बात नहीं की थी।